बड़वाल से हमारे संवाददाता आनंद राठौर की रिपोर्ट। बड़वाल में चोरन नदी पर अचानक आई बाढ़ के कारण नदी पर बने रपट्टा पर खड़ा टेम्पो ड्राइवर सहित बहा गाड़ी धो रहा था। ड्राइवर सुरक्षित है और एक गाय भी पानी में बही। 1 किलोमीटर आगे बहकर निकली, सुरक्षित बाहर निकल आई। कल रात 2 घंटे तेज बारिश के चलते चोरन नदी में उफान आ गया था, इस वजह से यह घटना घटी। बड़वाल से आनंद राठौर की रिपोर्ट। विदिशा सिरोन से हमारे संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में मोटरसाइकिल चोरों की बढ़ती घटनाओं से चिंतित थाना प्रभारी प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बाजार में जगह जगह हो रहा अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की और कई दुकानों से तौल कांटा सामान और मोटरसाइकिलों को जब्त कर थाने लाया गया। हाफिज याकूब बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, बीमा, गाड़ी के कागजात की जांच की गई और सवारी ऑटो बसों की चालानी कार्रवाई की गई। आशु खान के साथ बासजेद कुरैशी की रिपोर्ट। रायसेन उदयपुरा से हमारे संवाददाता यशपाल लोधी की रिपोर्ट। उदयपुरा थालादिगा बन पुलिस सुरक्षा से अपराधी भागा। देवरी थाने की यह घटना है। बुधवार को एक महिला की आंखों में मिर्ची फेंक कर महिला का मंगल सूत्र झुमकी छीन कर भागा था और चाकू की दम पर लूटने वाला अपराधी था। लोगों ने उसे पकड़कर थाने के हवाले कर दिया था। वहां लुटेरे देवरी थाने की पुलिस के बीच से फरार हुआ। यह विवादास्पद है, प्रशासन प्रश्न चिन्ह है। SP जगत सिंह राजपूत ने थाने के 2 आरक्षकों को किया सस्पेंड। आरक्षक रण विजय राय। बेगोन से हमारे संवाददाता अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हत्या के आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा। मामला बेगोंज के ग्राम उमरहारी का, जहां पुरानी रंजिश को लेकर शरणपुरी गोस्वामी के खेत पर जाते समय 8 लोगों ने कुल्हाड़ी और फरसे से मौत के घाट उतारकर हमला कर दिया था। 29/20/12 का है मामला, जिसको आज प्रथम अपर न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगढ़ है 9 व्यक्ति जी, उनमें एक फरार है जी। इन लोगों ने उसकी धारदार हथियारों से हत्या की थी। कारण क्या है? लखन मखन पुरानी रंजिश थी कारण से। लखनपुरी मखनपुरी तो घायल भी हुए थे इसमें, उनके कथन भी हुए न्यायालय में। तो न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर इनको दोषी पाकर 8 व्यक्तियों को आजीवन कारावास 302/149 धारा में और 148 में 3-3 वर्ष का कारावास, बाकी 325/323 में 3-3 माह का कारावास और कुल मिला के प्रत्येक पर 3,500 रुपये दंड आरोपित किया। कब का मामला था ये? 29/12 का मामला है, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, उमरहारी ग्राम। सारे आरोप। बड़वाल से हमारे संवाददाता आनंद राठौर की रिपोर्ट। अर्थ जले युवक का सब जंगल में मिला। बड़वाय नगर से 3 किलोमीटर दूर सिद्धेश्वर कूट मार्ग स्थित जयंती माता मंदिर चौड़ा पाठ स्थित घने वन में अज्ञात कारणों से युवक ने केरोसिन छिड़क कर आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार 34 वर्षीय नीलेश पिता दुर्गेश करे दुबे निवासी शराफा मार्ग बड़वा सोमवार सुबह 9 बजे घर से नगर पालिका की ड्यूटी कर बोल कर गया था। शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने खोजबीन करना शुरू कर दी। मंगलवार दोपहर 12 बजे जंगल में पिता दुर्गा शंकर दुबे है, उम्र 34 वर्ष है, निवासी सराफा बाजार बड़वा का है। इसके पास में एक सफ़ेद केन घासलेट रखी थी, आज जला हुआ चप्पल भी है और मोबाइल भी जल चुका है। ये अभी कुछ